चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। किसी भी राइट ट्राइंगल में ध्यान रखिए ये राइट एंगल है एंड अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। एक कोई भी अगर मान लो मैंने एंगल लिया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट साइड इज कॉल्ड बेस। इन एनी राइट ट्राइंगल ये एक जनरल कंसेप्ट है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को आप हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, रिमेनिंग साइड को बेस। यदि मैं एंगल यहाँ पर ये लेता तो इस समय परपेंडिकुलर फिर ये होता और बेस ये बन जाता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मतलब क्या है? रेशो ऑफ साइड। बेसिकली जो रेशो की हम बात करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए हो सकता है पी बाय एच हो सकता है पी बाय बी हो सकता है बी बाय एच हो, या इनके रेसिप्रोकल्स हो सकते हैं एच बाय पी, बी बाय पी, एच बाय बी। जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम डिफाइन करते हैं। नंबर वन इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये हुआ। फिर बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन इन दोनों का रेशो है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये थ्री फंडामेंटल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन कॉस एंड टेन। अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स लें, मतलब इनकी लेंथ अपोजिट भी ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, दिस इज एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या वन अपॉन साइन थीटा। बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट हम कवर करेंगे। फिर बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा होगा वन अपॉन कॉस थीटा या एच अपॉन बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट इज कॉट थीटा की। जब हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा हो जाए, कॉट की बात कर रहे हैं, देखिए इसका रेस तीनों के सबके उल्टे चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी बेसिकली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकल के आते हैं। नंबर वन साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल की बात करें कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी पढ़ेंगे इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ही टर्म में पढ़ेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज या क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए अभी हमने एक चीज लिखी, बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलेस कवर करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन, कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, एंड सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ऑल्सो वन। ये थ्री बेसिक कंसेप्ट हुए। आगे बढ़ते हैं, सारा कंसेप्ट राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। राइट ट्राइंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि राइट एंगल वाल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इन दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन एनी राइट ट्राइंगल, कोई भी राइट ट्राइंगल होगा, तो आपको मान लो ये थ्री दिए साइड, ये फोर दिए है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स को हम अगर ऐड कर दें तो नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव। तो ये पैथागोरस थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल थ्योरम है
आगे के फॉर्मूले आप इससे ही पढ़ेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से हम पहला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अब यदि इस इक्वेशन में इफ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, मान लो मैं हाइपोटेन्यूज का बोथ साइड डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला हमको मिला। यूजफुल फॉर्मूला है, हमेशा मिलता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा इक्वल टू वन। यहां से आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं बोलूं साइन थीटा अकेला क्या होगा, तो आप बोलेंगे रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा होता तो मैं लिखता वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक पहला फॉर्मूला आया। अब क्वेश्चन आता है कि अभी हमने एच का डिवाइड किया, तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीन साइड हैं, तो ऑब्वियसली एक बार एच का डिवाइड कर सकते हो, परपेंडिकुलर का डिवाइड कर सकते हो, बेस का डिवाइड कर सकते हो। तीनों में क्या चेंज होगा फॉर्मूले में, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे। यस, अभी हमने एच का डिवाइड किया था, हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया था, अब हम परपेंडिकुलर और एक बार बेस का डिवाइड भी करते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर का डिवाइड करूं तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वन, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, वन प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप तीन फॉर्मूले लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा अकेला बोला जाए तो आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और केवल कॉट थीटा बोला जाए तो रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एंड एक और फॉर्मूला मैं बनाऊंगा जो सबसे ज्यादा आपको यूज में आएगा, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसका ट्रांसफर किया, जब भी वन आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वन मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट सम टाइम यूज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मिस नहीं करनी है। एंड रिमेंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को वन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोला जाए तो आप बोलेंगे वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये लिखा होगा तो ये इधर ले जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट वन होगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं बताता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो दूसरा अपने आप वन बाय एक्स होगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो सेकंड अपने आप वन बाय एक्स होगा। इस पे अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो अभी क्या क्वेश्चन था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू फाइव पॉइंट साइन थीटा, सपोज ऐसा पूछा है। आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा फाइव दिया है, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वन बाय फाइव होगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल, टू कॉसेक थीटा इक्वल टू फाइव प्लस वन बाय फाइव, क्या होगा,
यहां लिखते हैं 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 26/1 सॉरी 26/5 एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे जाएगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5 साइन पूछा है इसका रेसिप्रोकल साइन इक्वल टू 5/30। अब आपको अगर ये डायरेक्ट कंसेप्ट पता था तो आप बहुत कम टाइम में निकाल लेंगे, अदरवाइज आपको कई बार टाइम लग सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक यदि एक्स है तो दूसरा 1/x होगा। अब एक और फॉर्मूले पे आते हैं, इसके थर्ड फॉर्मूले पे। अगर हम थर्ड फॉर्मूले पे जाएं तो अभी हमने एक बार h का डिवाइड किया, एक बार p का किया, अब हम करते हैं डिवाइड b का। जब b का डिवाइड करूंगा तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बारे में अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा पी अपॉन बी तो tan स्क्वायर थीटा एंड 1। मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या ऐसा बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझसे बोला जाए tan थीटा क्या होगा तो आप बोलेंगे रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड ऑल्सो एक बार इसको फिर ट्रांसफर करें तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी अब हमारे दिमाग में तीन चीजें हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा से हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। एंड रिमेंबर यदि इसमें एक को x बोलेंगे तो दूसरा 1/x होगा, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब यदि आपको अगर आपको ऐसा दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू अपने आप 1/x होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया है 5 एंड फाइंड साइन थीटा, ठीक है, और 5 की जगह वहां 5 लिया था या कुछ और लेते हैं 6 ले लेते हैं। फाइंड साइन थीटा क्या करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/6। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, 10 से 10 कैंसिल, 2 sec थीटा इक्वल टू 6 प्लस 1/6, 2 sec थीटा इक्वल टू 37/6, यानी sec थीटा इक्वल टू 37/12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको sec पता है तो इसका मतलब cos थीटा पता है, तो sec थीटा इक्वल टू 37/12 तो cos थीटा होगा 12/37। अब cos थीटा पता है तो आप लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू होता है रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 37 का स्क्वायर। वैसे तो आपको 50 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए पर अभी नहीं है तो मैं आपको स्क्वायर निकालने की एक शॉर्टकट अप्रोच भी बताता हूं। क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर अगर दिया हो तो मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यस और नो? अब ये माइनस बी प्लस बी क्या करेगा बताता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस ऑफ बी स्क्वेयर। अब ये कंसेप्ट जब तक एग्जांपल नहीं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपसे मान लो 37 का स्क्वायर ही पूछा है, तो आप इसमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर जिससे जीरो के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर मैं इसमें 3 सबट्रैक्ट करूं, 3 ऐड करूं, तो ये 40 हो जाएगा एंड 3 इज कॉल्ड बी। तो 3 ऐड किया, 3 सबट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियसली 9 आप ऐड करेंगे। ये क्या हुआ 34, ये हुआ 40 प्लस 9। आप मेंटली कर सकते हैं ये हुआ 16, 0 एक आएगा 112 एंड 13। अब एक्चुअल में 1360 प्लस 9 मिलेगा, आप डायरेक्ट 39 लिख सकते थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं 42 का स्क्वायर निकालिए, क्या करेंगे 42 माइनस 2, 42 प्लस 2, बी हो गया 2, 4 ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर, ये हुआ 44 इंटू 40 प्लस 4, डायरेक्टली लिखेंगे 16 प्लस 17, 17 यहाँ 0 आएगा पर आप उसकी जगह डायरेक्टली लिखेंगे 4, तो 1764। तो आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन के स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा ये हुआ रूट ऑफ 1 माइनस 144, और देखिए 37 का स्क्वायर अभी आपने निकाला था 1369, तो साइन थीटा इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए 1369 माइनस 144 अपॉन 1369 क्या होगा बोलिए। ये सॉल्व किया, यहाँ पर मिलेगा आपको 9 माइनस 4 ऑब्वियसली 5, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2 एंड 1 अपॉन 1369। क्लियर है बात? इसका स्क्वायर रूट चेक करना है कि मिलता है कि नहीं, उसके लिए भी एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। ये साइन थीटा आ गया, इसमें आप स्क्वायर्स की और प्रैक्टिस करिएगा।